आज के बाद क्या करना है, एक ही बात सोचनी है, बस एक ही बात। मैं कमजोर नहीं हूं, मेरी आर्थिक परिस्थितियां कमजोर थी, नहीं तो मैं भी लंदन से पढ़ के आ सकता था अगर मेरे पिताजी में पैसे होते तो। मैं भी फैक्ट्री चला सकता था अगर मेरे पिताजी में पैसे होते तो। मैं भी शोरूम चला सकता था मेरे पिताजी में पैसे। मैं कमजोर नहीं हूं। मानसिक बदलाव करो, मानसिक विकास करो, शारीरिक तुम्हारा विकास मजबूत है, मानसिकता बदलो। और आज के बाद अगर जिंदगी बदलने की बात कर रहे हो आप लोग, बहुत जोश में आप लोगों को देख रहा हूं, बहुत जुनून में देख रहा हूं। एक ही काम करना, यहां से जाने के बाद मानसिक रूप से और उस आदमी से रिश्ता तोड़ लेना जो कमजोर सोचता हो, जो तुम्हारी तरह ना सोचता। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से रिश्ता तोड़ लेना और उसका हाथ पकड़ लेना जो ये कहता हो कि यार तू भी करोड़पति बन सकता है, तू भी अरबपति बन सकता है। इस पर भी बात करते हो, 15 सालों में डायरेक्शन नहीं करते हुए आप हमारे पिताजी की गलती लिए हमें मना करते हैं, माता की गलती लिए हमें मना करती है, वो भी तो उसी माहौल में से बड़ा। कैसे मेरा बेटा 12वीं पास में था, करोड़पति बनने की बात कर रहा है। अब तुम जाना अपने घर पे और कहना अपनी माँ को, माँ दिल्ली में फंक्शन देख के आऊं, अब तो दुनिया की दुनिया 100 करोड़ कमाऊंगा। मां तू सुन, मेरी स्पीड है दुनिया सलम। कैसे मान ले यार हम लोगों को, मिडिल क्लास आदमी जब इतनी बड़ी बात करता है तो समाज खत्म नहीं करता। हर आदमी अंग में लड़ाएगा, बाप हो माँ हो, हमारे बाप ने हमारा कभी साथ नहीं दिया, हमारी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे 8, 9, 7, 10 साल हो गए तब ये डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो भी मेरी माँ क्या कहती थी मालूम है, करोड़ों रुपया कमा लिया, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, कभी कभी कहती थी ए बेटा अब तो भी ढंग का काम कर ले। मैंने पूछा माँ ढंग का काम किया, सोचे मम्मी की गलती थोड़ी है, सोचे उनका मानसिक विकास हो रही है, और मम्मी ढंग का काम किया है बेटा, तू बाहर खोल ले, सुबह जा शाम को अपने घर आ जा, कुत्ते की तरह गला फाड़ता रहता पूरी जिंदगी होगी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ भी उसी माहौल से होती है। वो तो एक दिन मैंने इंदिरा गांधी के फंक्शन में ले आया, फिर उन्होंने थोड़े चल में देख लिए, तब मेरा बाबू स्टैंड में जाके घर में बोलता है काम तो ठीक है तेरा, 15 साल बाद में मेरे माँ बाप को समझाने में सफल हुआ हूं कि मेरा काम ठीक है।